करो, क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली जी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। जो डॉलर इंडेक्स था वो करीबन 9 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स पहले हम 103 के ऊपर देख रहे थे, अब वो करीबन 101.50 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो उससे कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो गोल्ड की एक डिमांड है, सेफ हेवन डिमांड, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा खराब आ सकता है, और उसके चलते हो सकता है कि FOMC जो अपना डिसीजन है इंटरेस्ट रेट को लेके वो होल्ड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल लग रहा है कि गोल्ड जिस तरीके से $1900 को सपोर्ट ले रहा है और डॉलर इंडेक्स 9 हफ्ते के लो पर आता हुआ दिखाई दिया है, तो मुझे लग रहा है कि उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1940-1945 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि 59,000 तक के लेवल आ सकते हैं। तो करीबन 58,500 के आसपास तक डिप मिलता है। 100 रुपए की अगर गिरावट आती है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 58,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,000 तक आ सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में $1945 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रही गोल्ड पर। ऑल दो तमाम कमोडिटीज के लिए यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा है, फेड की मीटिंग, प्लस सीपीआई के नंबर्स, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर